हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्कॉलरशिप से संबंधित सभी छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना आ रही है, यानी कि अगर आप लोग 30 तारीख तक ये काम नहीं करते तो इस साल आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिलने का। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो इस रेड आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इस बेल आइकन को दबा लिए, उससे फायदा योगा नेक्स्ट टाइम जब भी हम स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको न्यूज़ की तरफ लेके चलता हूं और कंप्लीट डिटेल में बताता हूं कि क्या काम आपको 30 तारीख से पहले करना है स्कॉलरशिप लेने के लिए। तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और वहां पे सर्च कर लेना है nsp सरकारी जॉब.co। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग वहां से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर पर भी सर्च कर सकते हैं nsp सरकारी जॉब.co। जैसे ही आप इस पेज पे पहुंचेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको सिंपली NSP प्री पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पे पहुंच जाएंगे, जहां पर आप लोग एनएसपी से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ सकेंगे, प्लस आप लोग यहां से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। तो यहां पे आपको सिंपली स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। जैसे ही आप यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पे आप लोग ये न्यूज़ पढ़ सकते हैं जो कि अमर उजाला पेपर की है। यहां पे आप लोग हेडिंग पढ़ सकते हैं, करा ले स्थापन नहीं तो अटकेगी छात्रवृत्ति। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं कराया अपने फॉर्म का तो इस साल आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिलने का। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये 24 नवंबर यानी कि कल के दिन की अपडेट है। मैं आपको यहां पे पूरी न्यूज पढ़ के सुनाता हूं कि क्या न्यूज है। करा ले स्थापन नहीं तो अटकेगी छात्रवृत्ति। गोरखपुर जिले के अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्थापन के अभाव में अटक सकती है। अब तक जिले के 3700 में से सिर्फ 1300 संस्थानों ने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर स्थापन कराया है। स्थापन कराने के लिए अंतिम तिथि 30 नवंबर तक ही है। जी हां दोस्तों, यानी कि जो लास्ट डेट है वो है 30 नवंबर। भारत सरकार द्वारा संचालित केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से अल्पसंख्यक छात्रों मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध एवं पारसी को छात्रवृत्ति दी जाती है। छात्रवृत्ति के लिए शैक्षिक संस्थानों व मदरसों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर स्थापन कराना होता है। स्थापन की रफ्तार धीमी है जिसका सीधा खमियाजा जिले के हजारों अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को भुगतना पड़ सकता है। अगर जल्द ही शैक्षिक संस्थानों ने प्रक्रिया पूरी नहीं की तो कई छात्र छात्रवृत्ति पाने से वंचित रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अगर आपके कॉलेजेस नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की वेबसाइट पर वेरिफिकेशन नहीं कराते तो इस साल आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिलने का, ये बात बिल्कुल क्लियर है। स्थापन के मसले को लेकर ऑनलाइन बैठक की गई है। बैठक में सभी मदरसों के शैक्षिक को स्थापन कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रत्येक शिक्षक व कर्मचारी खंड शिक्षा अधिकारियों से कम प्रति शिक्षक 20-20 विद्यालयों का स्थापन कराएंगे। आशुतोष पांडे, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि बैठक बिठाई गई है ऑनलाइन, जिसमें सभी टीचर्स जो कर्मचारी हैं वो 20-20 कॉलेजेस का स्थापन कराएंगे। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक एनएसपी का ऑनलाइन आवेदन नहीं फिल किया है, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं किया, तो उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख के फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आप लोग यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उस पर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए, आप लोग वहां से ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपने कॉलेज में कॉन्टेक्ट करके जरूर कंफर्म करिए कि उन्होंने स्थापन कराया है यानी कि वेरिफिकेशन कराया है या नहीं। और अगर स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।